नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंडिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिजीत और आप देख रहे हो मास्टरमाइंडिक चैनल। दोस्तों एक 15-20 दिन पहले हमने ये सुजुकी एसएस गाड़ी एरेजोल स्प्रे से पेंट की थी, इस टाइप के स्प्रे से। तो दोस्तों ये देखो, उस पर बहुत से कमेंट आए कि ये पेंट जाता है और टिकता नहीं है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, पेंट एकदम अच्छी तरह हो गया है। तो दोस्तों आपको अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि ये कलर जाता वगैरह है, तो दोस्तों कलर अगर सही तरीके से किया जाए जैसे मैंने दिखाया है तो कलर नहीं जाएगा, इतना ही अच्छा रहेगा जितना ओरिजिनल है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने डिमांड किया कि ये गाड़ी पॉलिश कैसे करते हैं ये भी हमें बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी ये पॉलिश कैसे करेंगे, जब भी हम पेंट करेंगे उसके बाद हमारा पहला पॉलिश कैसे रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले गाड़ी में ये जो 2K रबिंग कंपाउंड लगाता है ये मोटोमैक्स कंपनी का है, ये मैंने लाया है। इसकी कीमत 110 रुपये है 200 ग्राम के लिए। दोस्तों ये रबिंग कंपोनेंट्स लगा के गाड़ी रबिंग करके लेनी है। तो दोस्तों पहले मैं ये रबिंग कंपोनेंट लगा के लेता हूँ। ये दोस्तों ये लगाया है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। और दोस्तों ये जो मैट है उस पर पॉलिश मारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमारा जो ग्लॉसी कलर है उसी पर पॉलिश मारना चाहिए हमें और रबिंग मारना चाहिए। अगर दोस्तों साइड में लगता है तो वो पॉलिश होने जाने के बाद पानी से साफ करके लेना चाहिए हमें, नहीं तो उस पर ये दाग रहता है। ये देखो दोस्तों ये रबिंग कंपोनेंट मैंने लगा दिया। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको ये पॉलिशिंग मशीन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप कपड़े से भी कर सकते हैं। मैं कपड़े से दिखाता हूँ, लेकिन कपड़े से दोस्तों इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे कपड़े से घिसना है। लेकिन दोस्तों मशीन जितना रिजल्ट आपको कपड़े से नहीं मिलेगा, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप कपड़े से भी कर सकते हो, इतना 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन 50% तो मिलेगा आपको। दोस्तों मेरे पास ये मशीन है तो मैं मशीन से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहले धीरे धीरे करके लेना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ा के रबिंग कर लेना चाहिए। ये देखो दोस्तों ये रबिंग करने के बाद आप इस पर ऐसा देखेंगे, इसको छूके तो एकदम स्मूथ फील होगा आपको। लेकिन दोस्तों कलर मारने के बाद जो विदाउट पॉलिश है वो आपको एकदम ऐसा स्मूथ नहीं लगेगा, थोड़ा रफ दिखेगा। तो ये एकदम स्मूथ हो गया है। दोस्तों मैं पूरी गाड़ी पहले रब करके लेता हूँ, बाद में मैं आपको बताऊँगा कि पॉलिश कैसे करना है। ये दोस्तों ये पॉलिश नहीं, ये रबिंग है। रबिंग मतलब हमारा जो कलर होता है वो एक लेवल कर लेता है, पूरी लेवल मतलब आईने जैसा हो जाता है। दोस्तों अब मैं ये पूरी गाड़ी इसी तरह रबिंग करके लेता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिश कैसे करते हैं। दोस्तों तब तक ये वीडियो मैं पॉज कर देता हूँ। दोस्तों अब ये रबिंग है वो पूरी गाड़ी का कंप्लीट हो गया है, और ये इस पर ऐसे हाथ घुमा के देखने पर एकदम स्मूथ फील हो रहा है।
तो दोस्तों ये रबिंग हो गया, अब हमें पॉलिश करना है। तो दोस्तों पॉलिश के लिए मैं ये मोटोमैक्स का बाइक लिक्विड पॉलिश आता है, रबिंग कम पॉलिश लिखा होता है लेकिन ये पॉलिश आता है, ये अच्छा पॉलिश होता है, इससे शाइन वगैरह अच्छा आती है। दोस्तों ये रबिंग होता है, ये गाड़ी का बैकग्राउंड जो है कलर का हमारा, ये स्मूथ करने के लिए होता है, और पॉलिश जो होता है वो चमकाने के लिए होता है, ग्लॉसी लुक देने के लिए होता है। दोस्तों ये मोटोमैक्स का पॉलिश भी आप यूज़ कर सकते हो या कोई भी गाड़ी का पॉलिश आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों पॉलिश यूज़ करने के लिए हमें पॉलिश गाड़ी पर लगा के लेना है, या सामने रबिंग लगाया था उसी तरह। ये देखें, ये लगाने के बाद दोस्तों इस पर मशीन नहीं हमें यूज़ करना है, इस पर सिर्फ कपड़े से ही हमें साफ करना है गाड़ी से। दोस्तों बहुत बार ये गलत फहमी होती है कि पॉलिश पर मशीन मारने की, लेकिन पॉलिश पे मशीन कभी नहीं मारना चाहिए, मशीन सिर्फ रबिंग के लिए यूज़ होता है। ये देखो दोस्तों हमारी गाड़ी पॉलिश हो रही है। दोस्तों वैक्स पॉलिश पर आप मशीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पॉलिश के लिए मशीन यूज़ करो। मशीन यूज़ करना है तो सिर्फ रबिंग के ही यूज़ कर लेना चाहिए। ये देखो दोस्तों ये गाड़ी एकदम पूरी एकदम ग्लॉसी हो गई, पूरी शाइन दे रहा है कलर। दोस्तों अभी धूप नहीं है, लेकिन धूप में थोड़ा ये लगा देता मैं तो और ये चमकती गाड़ी। ये देखो पूरा कलर चमक रहा है। दोस्तों तो इसी तरह पूरी गाड़ी पे ऐसा पॉलिश आपको लगा के कपड़े से साफ करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो मेरा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कुछ और सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और आप नए व्यूअर्स हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पर आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।